सबको आ रही है। मेरा नाम मोहित है, मेरे को कौन कौन जानते हैं? हम जानते हैं ना। देखो यहाँ पे इकट्ठा होने का एक रीजन है, हर महीने इकट्ठा होते हैं ना, इसलिए होते हैं इकट्ठा। बताओ जो आदमी अच्छा काम करता है उसको यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाता है हर महीने अलग अलग बंदे होते हैं ना। अरे वैसे ही आते हैं हर महीने आते हैं अलग अलग आदमी। वही है जैसे हर 100 आदमी रेस में भागे हैं, पहले 5 को इनाम मिल पाता है ना, तो अब तो बाकी के 95 आदमी बच गए हो। ये तो नहीं है कि हार मांगे बैठ के वो अगले महीने जीत जाए, क्या पता। होता है कि नहीं होता है, ऐसा ही हर बार ही होता है। अब इस महीने किसी 5 आदमी अलग को मिला, अगली बार किसी और को मिलेगा। लेकिन ये नहीं होता कि जो 5 आदमी अच्छा काम किया तो वही करेंगे, और जिम्मा नहीं है। सबका जिम्मा सरिया वाला, सेटिंग वाला, अनस्किल सब अच्छे से काम करेंगे तभी उनको भी प्रोत्साहन मिल पाएगा। होता है ना, क्लास में मॉनिटर एक ही आदमी होता है या पूरी क्लास मॉनिटर होती है? एक ही होता है ना। तो ऐसे इधर में भी है, हर महीने अलग अलग आदमी चुने जाते हैं। जो अच्छा काम करेंगे उनको अच्छा इनाम मिलता है, जो बुरा काम करते हैं उनको गेट पास नहीं आ जाता है, गेट पे एंट्री बंद करा देते हैं। होता ही होता है। देखो यहाँ पे जितने आदमी बैठे ना, अपने अगल बगल देख लो तुम, हर एक के 500 उंगलियां है, दोनों हाथ है, दोनों पैर है, आंख नाक प्रॉपर है, चेक कर लो है कि नहीं है। सबके पास है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा कि जिसके पास आंख नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, नहीं होगा ना, है ना सबके पास। तो यही है, सब काम से यही होता है। जैसे आप घर से आए वैसे ही आपको घर भेजना है। जितने भी ये ग्रीन हेलमेट है, व्हाइट हेलमेट है, जो भी कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं। कोई मेरे रिश्तेदारी का है आप में से? कोई मेरा रिश्तेदार बैठा इधर? नहीं ना, यही इधर किसी का बैठा हो, बैठा है? नहीं बैठा होगा, क्यों नहीं बोलो क्या? यहीं पे भाई का ना बनाया। अगर ये कह रहे हैं पैन लगा तो पैन लगा लेनी चाहिए, हमसे काम नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अंडा और टमाटर किसने देखा है? दोनों गर्म पानी में बोल दो, अंडा कठोर हो जाता है, टमाटर नरम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो दोनों का बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। वैसे ही इधर है, यहाँ पे अंडा भी है, टमाटर भी है, वो डिपेंड करता है कौन कैसा बनना चाहता है। अब कुछ लोग अच्छे भी हैं जो अच्छी तरह काम करके सेफ्टी में लगे, कुछ ऐसे भी है जो पूरी तरह काम करते हैं, इनकी पैर नहीं लगाई कभी, हाइट पे चढ़ के बिना लाइट के बारिश करके, ऐसे भी आदमी है ना, दोनों तरह के आदमी। तो अपने आप पे डिपेंड होता है यार, कौन आदमी कैसा काम करना चाहता है। अगर मेरे को अपने परिवार की चिंता है तो मैं सुरक्षित काम करूंगा, जिसको चिंता नहीं है वो ऐसे सेफ काम कर लेगा। कोई ठेकेदार किसी को देता पैसा कर बिठा के? नहीं देगा ना, मेरी कंपनी देगी ना आपकी कंपनी देगी। तो यहाँ पे सुरक्षित रहेगा, काम करने में अपनी भलाई है। सुरक्षित काम करोगे ना? अरे हाँ बोलो,